ये आता है लोगों के दिमाग में जब मैंने कहता हूँ कि मैं गांव जा रहा हूँ ईद के लिए, लेकिन असल में मेरा गांव इस तरह है। सो दिस इज़ द हाउस आई ग्रू अप इन। कच्चे घर के लोग हैं लेकिन अच्छे दिल के लोग हैं। पीछे देखे हैं अभी भी जो है ना टॉवल वगैरह टंगा हुआ है, ओपन एयर सिस्टम। बट दिस इज़ वेयर आई ग्रू अप, हम्बल बिगिनिंग्स। काफ़ी मार पड़ती थी क्योंकि मैं बहुत शैतान था, पहाड़ शहाड़ से हमेशा गिर जाता था। यू कैन सी माई डैड एंड फैमिली इन द बैकग्राउंड, गोश्त वगैरह कट रहा है। और लेट्स चेक इट आउट। ये सब कुछ बताने के जो है ना दो रीजंस हैं। एक, ताकि आप लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा पता चल सके कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, किस तरह की मेरी हम्बल बिगिनिंग्स हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ ये व्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बस के पास टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा है और कुछ करने के लिए इसलिए व्लॉग्स बना रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड रीज़न। मैं इसलिए व्लॉग्स नहीं बना रहा होता, मैं इसलिए व्लॉग्स बनाता हूँ ताकि मैं पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकूँ और उसकी इमेज जिस तरह अच्छी है जो हमें पता है वैसे मैं दिखा सकूँ, नॉट द वे इट्स शोन ऑन मीडिया। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट एज वेल। एक तो मैं जो सिटी टू सिटी कवर कर रहा होता हूँ उसमें उस सिटी की एसेंस ज़्यादा होती है, मेरी स्टोरी कम होती है। दूसरा ये फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो इफ यू गाइस लाइक दिस फॉर्मेट एंड यू वांट मी टू टेल मोर स्टोरीज लाइक दीज, सो कमेंट बिलो एंड टेल मी, गिव मी योर फीडबैक और क्या किस तरह ये बेहतर हो सकता है। अनटिल देन सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। आप सबको नया पाकिस्तान मुबारक एंड वेल विशेस टू यू ऑल।